फैमिली उम्मीद है कि आप सब कहीं होंगे वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो तो जी आज मैं बना रही थी कड़ी और सोचा आपके लिए मैं हेला ये बाइक के जो तो शोर होते हैं मुझे बहुत ज्यादा लगते हैं जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ये बाइक की मैं क्या कहूँ अब मैं खैर इग्नोर दैम <laughs> ठीक उसके बाद जी मैंने ले लिया है जी वो हाफ के जी दही था मेरे पास और हाफ़ पाव ही मेरे पास था बेसन इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया असल में मैंने जो है वो लस्सी नहीं बनाई थी मैंने उनको बेसन को और दही को किट्ठा डाल के मैंने उसको हल्का सा चला लिया था और मैं पानी डाल के उसमें ऐड कर लिया था जितना मुझे चाहिए था उसके बाद जी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ले लिया थोड़ा सा मतलब दो तो से तीन चम्मच मैंने ऑयल ले लिए थे टेबल स्पून और जी मैंने इसमें वो छोटी प्याज कट कर दी और प्याज को जी मैंने सॉल्टे कर लिया हल्का सा ब्राउनिंग करेंगे हम क्योंकि ब्राउन अगर करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और उसमें स्पेल आना शुरू हो जाएगी वन टेबल स्पून मैंने मिर्ची ऐड कर दी वन टेबल स्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दी और हाफ़ टेबल स्पून मैं हल्दी ऐड करूँगी क्योंकि इसमें हल्दी ऑलरेडी जाने वाली है बहुत ज़्यादा तो इसलिए मैंने हल्दी बहुत कम यूज़ की है अब जी जो हमने मिक्सर बनाया था हमने मतलब मैंने तो इसको मैं जी छन्नी में से छान लूँगी इसमें जो लम्स होंगे जो गुठलियाँ बनी होंगी वो अलग हो जाएंगी और बिल्कुल जी ये देखिए हमने मिक्स कर लेना है इसको इस स्टेज पे आप प्याज भी इसमें डाल सकते हैं आलू भी डाल सकते हैं थोड़ी सी पालक भी डाल सकते हैं मैं इनमें से कुछ भी नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही कड़ी पसंद है और जी अब कड़ी का मतलब होता है कि जी करना कड़ कड़ के जो चीज़ बनती है फिर वो उसका जो रिज़ल्ट निकलता है जो आउटपुट निकलता है उसको कड़ी बोलते हैं मुझे लग रहा था कि जी इसमें कलर थोड़ा सा कम है तो ये मैंने जी फूड कलर ऐड कर दिया और ये कोई भी आपको ट्रिक नहीं बताएगा ये सिर्फ ट्रिक मैं ही बताऊंगी और जो ऑनेस्ट ट्रिक होती है जो चीज़ ऑथेंटिक होती है जो रेसिपी वही आपके साथ शेयर होती है और जी यहाँ पे मैंने पानी हल्का सा डाल दिया था मजीद क्योंकि अब मैं पानी और ऐड करूँगी इसमें और ऐड करती जाऊँगी जब तक कि मुझे पानी इसमें लगेगा नहीं कि जी अब पूरा हो गया पानी वो इसने क्योंकि करना है तो इसको आराम से जो है वो दो घंटे दो से अढ़ाई घंटे इसको आराम से लगेंगे और आप बेफिक्र हो जाए अगर आपको इतनी मज़ेदार कड़ी खानी है तो आपको इतना तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको इसको टाइम तो देना पड़ेगा तो जी ये देखिए तो जी इस तरह से कड़ी में जब बबल्स आना शुरू हो जाते हैं इट मीन्स कि ये चीज़ रेडी होने के प्रोसेस में शुरू हो गई है और आपने ऐसा से इसको चम्मच लाते रहना है और अपनी फ्लेम जो है वो लो रखना है और मेक श्योर कि नीचे ना लग जाए आपने साथ में चम्मच भी सिलाना है और फ्लेम को भी आपने देखते रहना है जी बर्तन ले लिया हमने और बर्तन में मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे आलू और हम तैयार कर रहे हैं पकोड़ों का मटेरियल आलू मैंने तीन से चार अदद मैंने आलू ले लिए थे उसको मैंने फाइनली काट लिया था और प्याज भी मैंने तीन से चार अदद प्याज दी थी मैंने बड़ी साइज़ की प्याज दी थी और इसको मैंने काट लिया था फ़ाइनली मैंने इसको कटिंग बोर्ड के ऊपर काट लिया था अच्छा यहाँ पर मैं कसूरी मेथी ले रही हूँ कसूरी मेथी तकरीबन ये है हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी है और वन टेबल स्पून ये मेरे पास सूखा धनिया है इसको मैं हाथ से ही मसल के इसमें डाल दूँगी इससे क्या आता होता है कि इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है एक तो पकौड़ों में और इसमें जो क्रंच होता है इसका ये बहुत ही मज़ेदार लगता है उसके बाद जी टू टेबल स्पून मैं यहाँ पर सिले फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ क्योंकि पकौड़े थोड़े से ज़्यादा हैं और हम उसको अलग से भी खाएँगे और कड़ी में भी खाएँगे तो इसके बाद जी वन टेबल स्पून हमारे पास यहाँ पर सॉल्ट आ गया है और थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ मैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं कोई मसले वाली बात नहीं है उसके बाद जी हम ऐड कर रहे हैं वन टेबल स्पून ये मेरे पास था गरम मसाला जी हाँ उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे आ, मेरे पास थी अजवाइन और मैं इसको थोड़ी सी हाथ में आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि ये हमने ज़्यादा अजवाइन ही लेनी होती है सिर्फ दो से तीन चुटकी जो होती है वो अजवाइन लेनी होती है ज़्यादा नहीं ऐड करते बहुत गर्म होती है पेट भी आपका ख़राब हो सकता है इससे तो <laughs> ये ना हो कि ज़्यादा डाल दें आप जी इसके अंदर ऑयल भी जाएगा थोड़ा सा ऑयल से ये होता है जी इसमें जो क्रंच होता है वो बरकरार रहता है और जी ऑयल जो है तकरीबन मैं वन टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ तो ये जो आप देख रहे हैं बॉटल ये मैंने अलफा से ली थी मुझे बहुत पसंद आई थी तो ये मैंने बाय कर ली तो इसको बहुत कम कम यूज़ करती हूँ ताकि ये उसको कुछ डैमेज ना हो जाए ख़राब ना ये हो जाए तो इसको बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं इसके बाद इन सब को मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से और मिक्स करने के बाद बारी आ जानी है बेसन डालने की तो फिर आपने जी बेसन भी ऐड कर लेना बाद में तो इसको जी मिक्स कर रही हूँ मैं ताकि सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे यकजान हो जाएँ मिक्स हो जाएँ सारी अच्छी तरह से और कड़ी जो है वो मेरी साथ साथ बन रही है और आपने साथ साथ उसमें भी चम्मच लाते रहना है उसको भूल नहीं जाना है उसको इग्नोर नहीं करना है मैंने मिक्स किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि थोड़ी सी मुझे स्पाइसिस कम लग रही हैं तो मैंने इसमें ऐड कर दिया हाफ जो है टेबल स्पून चिली पाउडर ऐड कर दिया और मैं जी बेसन ऐड कर रही हूँ और बेसन अभी मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी और फिर भी साथ साथ पानी ऐड करती जाऊँगी मुझे जितना बेसन चाहिए होगा वो मैं फिर साथ साथ ऐड करती रहूँगी तो ये जी मैं आराम आराम से लगी हुई हूँ बड़े ही नाजुक नाजुक हाथों से नज़ाकत भरी हाथों से मैं जी काम कर रही हूँ और मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि जी वीडियो जो है बिल्कुल आहिस्सा से बन रही है और अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए वीडियो तो कोई बात नहीं इक्टोर की जे ख़ैर है आपने बिल्कुल वीडियो पूरी एंड तक देखनी है कि जी क्या रिज़ल्ट आता है और यकीन कीजिए ऑनेस्टली कि बहुत मज़ेदार जो है वो कड़ी बनी थी अब जी मैंने थोड़ी सी स्पीड तेज़ कर ली है मुझे भी थोड़ा हो गया कि जी भाई आप बोर ना हो तो जी बेसन साथ साथ में ऐड कर रही हूँ और साथ साथ पानी भी ऐड कर रही हूँ और आ, बिल्कुल जी मैंने फाइनली बना लिया है पेस्ट अब जी यहाँ पर मैंने ले लिया है जी मैंने फ्राई पैन ले लिया और मैंने ऑयल ऐड कर दिया जितना भी बचा हुआ था वो मैंने ऑयल ऐड कर दिया और थोड़ा सा मैंने वो प्याज का एक टुकड़ा डाल के देखा कि जी अच्छी तरह से गर्म हो गया ऑयल उसके बाद मैंने पकौड़े ऐड करना शुरू कर दिया इसमें और ये देखिए जी इतने मज़ेदार पकौड़े बने थे मेरे पास और ऑनेस्टली बहुत ही मज़ेदार और क्रंची पकौड़े बने थे आप इसको अलग से भी ट्राई कर सकते हैं पकौड़ों की इस रेसिपी को और बारिश के मौसम में और सर्दियों में पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं रमज़ान में तो बनते ही बनते हैं तो ये बहुत ही मज़ेदार पकौड़े बने थे आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अलग से भी और कड़ी तो आपने ट्राई करनी ही है मुझे पता है और <laughs> तो आपने मेरे बस इस यकीन का मान रखना है और आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है जी किस तरह से आपकी रेसिपी बनी थी और मुझे ज़रूर आपने जो है ना वो कमेंट भी करना है बताना है आपने जो फ्लेम रखना है इसका बिल्कुल मीडियम जो लो फ्लेम में इसको पकाना है आपने क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज करेंगे तो क्या होगा कि ऊपर से कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर से ये बिल्कुल कचा रह जाएगा और आपने क्या करना है ये आपने डायरेक्टली ही पकौड़ों को आपने निकाल के कड़ी के अंदर जो है ना वो डालते जाना है ये कड़ी में बबल्स आ गए हैं और कड़ी में छींटे आना शुरू हो जाएंगी बाहर की तरफ वो चींटे मारने शुरू कर देगा कड़ी तो इट मींस इट्स डन तो ये बिल्कुल जो है वो डन हो गई थी अब जी हम इसमें तड़का लगाने लगे हैं जो मेरा ऑयल बच गया था पैन में उसी में मैंने जी हाफ़ टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिया है ज़ीरा और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं और दो से तीन मैंने जो है वो मिर्ची ली थी तड़का लगा लिया था मैंने और इतना मज़ेदार टेस्ट और कलर इतना प्यारा था और आप भी ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में कि आपने ट्राई किया और कैसी लगी आपको रेसिपी और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग